उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बीते शनिवार को बरेलवी पंथ के मौलाना तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दूसरे समुदाय को लेकर विवादित बयान दिया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम समाज भी मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे। उनके विवादित बयान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। अब विवादित और भड़काऊ बयान को लेकर मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ एक्शन हो गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ IPC की धारा 153, 295, 505, 2 के तहत केस दर्ज किया है। ये मुकदमा मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया है। बरेलवी पंथ के मौलाना तौकीर रजा पर साध्वी प्राची भी भड़क उठी हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, तौकीर देशद्रोही है, 2010 दंगे का आरोपी है, तौकीर रजा पर बुलडोजर चलना चाहिए। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। तौकीर रजा मुस्लिम समुदाय के लिए भी कलंक है। देखिए, तौकीर रजा वास्तव में तो राष्ट्रद्रोही है। 2010 में जो बरेली के अंदर जो दंगा हुआ था, तौकीर रजा मुख्य आरोपी था। और उसके बाद जितनी भी घटनाएं बरेली अंदर रही है, कोरोना काल में एक बड़ा समूह इसने बड़ा जलसा करके दिखाया, चैलेंज किया सरकार को। करती हूँ योगी जी, जल्दी से जल्दी जिन्हें भी यूपी के अपराधी है उन पर कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन तौकीर रजा भी एक अपराधी है, इस पर भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। भाई, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। तौकीर रजा मेरा चैलेंज है, औकात नहीं है, तुम्हें पाकिस्तान मिला था 47 से, भाई नहीं गए तुम, क्यों हिंदुओं का खून पीने की तुम रुके हो यहाँ? दोबारा देश का विभाजन सोच मत लेना, समझ लेना, हिंदुस्तान का हिंदू अब सजग हो चुका, सचेत हो चुका है, सावधान हो चुका, और तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तौकीर रजा का विभाजन करने वालों में इतिहास में नाम मत लिखाइए, फिर सलाह दे रही हूँ, इंसानियत के नाते संभल जाइए। उत्तर प्रदेश में बाबा है और गुंडों को अच्छे इलाज कर रहे हैं, प्रदेश जान रहा। इस मामले पर SSP हेमराज मीणा ने बताया कि तौकीर रजा नाम के व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी प्राप्त हुई है कि इसमें उनके द्वारा आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने IPC की धारा 153, 295, 505, 2 के तहत केस दर्ज किया है। मामले की जाँच की जा रही है। तौकीर रजा ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान मुस्लिम राष्ट्र की बात करने लग जाए। इस दौरान उन्होंने दूसरे समुदाय को लेकर भी कई निशाने साधे। इस दौरान उन्होंने बुलडोजर एक्शन को लेकर भी सवाल उठाए और इसे भी धार्मिक रंग देने की कोशिश की। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।